गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक रिटेल फार्मेसी, या हम उसको मेडिकल स्टोर बोल रहे, ठीक है। दुबई के अंदर कितने लोग उस मेडिकल शॉप में काम करते हैं, ठीक है। टोटल चार लोग काम करते हैं, एक होता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट, एक होता है फार्मासिस्ट, एक होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक होता है ट्रेनी फार्मासिस्ट, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दो लोग के बारे में, एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट और एक होता है फार्मासिस्ट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेनिंग फार्मासिस्ट और एक होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम दो लोग की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक होता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट, ठीक है, दूसरा होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या है और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या है। फार्मासिस्ट बोल सकते हो या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलते हैं, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चाहे फार्मासिस्ट बोलो चाहे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट, पॉइंट नंबर एक, ठीक है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट किसको कहते हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करता है, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी करता है, ठीक है, जो कि 2 साल का होता है, ठीक है, 2 इयर्स करता है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ना डीएचए का एक होता है एग्जाम होता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट का, ठीक है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का, बाद वो एग्जाम पास होता है, एग्जाम पास होता है, ठीक है, एग्जाम पास होता है, फिर उसके उसको मिलता है दुबई का असिस्टेंट फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलता है, ठीक है, लाइसेंस मिलता है। अब ये हो गया हमारा असिस्टेंट फार्मासिस्ट, जो ये लाइसेंस रहेगा या असिस्टेंट फार्मासिस्ट है। अब होता है, हम बात करते हैं फार्मासिस्ट के, ठीक है, जो कि बी फार्म वाला होता है, जो कि 4 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद पास आउट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है चलता है, लेकिन मिनिमम 2 साल का होना चाहिए असिस्टेंट फार्मासी में भी और रजिस्टर्ड फार्मासी या फार्मासिस्ट में भी, ठीक है। फिर होता है डीएचए का एग्जाम होता है फार्मासिस्ट का, डीएचए फार्मासिस्ट एग्जाम, ठीक है। फिर इसमें वो पास होता है तो उसको मिलता है दुबई का फार्मासिस्ट लाइसेंस, ठीक है। यहां मिलता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट लाइसेंस, यहां मिलता है फार्मासिस्ट लाइसेंस, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वालिफिकेशन को लेके कि क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि दुबई के मेडिकल के अंदर क्या रोल है दोनों का क्या क्या रोल है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। देखो, हमेशा असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो रहेगा वो किसके अंडर में काम करेगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में, ठीक है। यह हमेशा असिस्टेंट फार्मासिस्ट ही हो गया, वो फार्मेसी के अंडर काम करेगा, ठीक है। कोई भी मेडिसिन उसको देना रहेगा तो वो डिस्पेंस नहीं कर सकता। देखो मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है, मेरी बात को तो देखो मेरी बात को गौर से सुनना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि जल्दी समझ जाता है, ठीक है। कोई पेशेंट आया, केस पेशेंट ले लो या प्रिस्क्रिप्शन ले लो, ठीक है, कहीं से प्रिस्क्रिप्शन आया, वो मेडिकल अपने जो रैक में से या ड्रॉवर में से वो मेडिकल को निकाल लेगा, लेकिन वो मेडिकल डायरेक्ट पेशेंट या कस्टमर को दे नहीं सकता, ठीक है। उसके लिए जरूरत रहती है फार्मासिस्ट की, ठीक है। तो वो स्कैनिंग फार्मासिस्ट करेगा, डिस्पेंस भी फार्मासिस्ट कर सकता है, करेगा, ठीक है। तो वो मेडिकल निकालेगा, मेडिसिन निकालेगा, सॉरी, वो मेडिसिन निकालेगा और ये फार्मासिस्ट को देगा, वो स्कैन करेगा, बिल बनाएगा और ये किसको देगा, कस्टमर को देगा या पेशेंट को देगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट कस्टमर या पेशेंट को देता है तो इस पर फाइन लग सकती है, ठीक है। देखो तो मैं जब नया नया आया था दुबई के अंदर जॉब ढूंढने के, तो मैं लाइफ फार्मेसी में गया था, तो वहां एक जावेद भाई करके थे, ठीक है। तो एक्चुअली वो स्टोर के क्या थे, वो मैनेजर भी था और वो था डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या था, तो स्टोर का एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया था, तो क्या हो गया था उसकी क्या सैलरी भी बढ़ गई थी और उसका एक्सपीरियंस भी हो गया था, लेकिन वो तभी भी वो मेडिसिन वो डिस्पेंस नहीं कर सकता एज पर द लॉ ऑफ डीएचए। तो उसने कस्टमर से बात किया, फिर उसने मेडिसिन लेके फार्मासिस्ट के हाथ में दिया, फिर फार्मासिस्ट ने उसको कस्टमर को दिया, ठीक है। तो मैं बोला, मतलब आप भी तो दे, तो मैं इस टाइम बोला, मतलब जावेद भाई आप भी तो दे सकते थे ना। तो जावेद ने बोला कैमरे लगे, ठीक है, अगर लग बाय चांस कभी मेरा कैमरा चालू रहा, अगर लाइफ फार्मेसी के हेड ऑफिस से मेरे को देख लिए तो मुझे फाइन लग सकती है, मुझे जॉब से निकाल सकते हैं। तो ये एक मेन रोल है, ठीक है, कि कभी भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकता, सबसे पहला बात एक ही हो गया। अब हम पॉइंट टू की बात करें, ठीक है, कोई भी अगर मेडिकल न्यू ओपन होता है, ठीक है, पॉइंट टू की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट टू की बात करते हैं, ठीक है।
कोई भी एक मेडिकल अगर नया ओपन होता है या पुराना मेडिकल है तो वहां पे फार्मासिस्ट गारंटी चाहिए। असिस्टेंट रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मासिस्ट मैंडेटरी चाहिए, ठीक है। विदाउट फार्मासिस्ट का ये मेडिकल का लाइसेंस नहीं ले सकता है, ठीक है, न्यू मेडिकल का लाइसेंस नहीं ले सकता है, ठीक है। तो उसको फार्मासिस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मतलब कि एक नया मेडिकल खोलने के लिए फार्मासिस्ट चाहिए चाहिए, चाहे वो पुराना रहे या नया, उसको अंदर हमेशा फार्मासिस्ट चाहिए चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट में, ठीक है। जब भी डीएचए वाला ऑफिसर आता है, डीएचए ऑफिसर आता है, ठीक है, तो वो हमेशा ना बात किससे करता है, वो फार्मासिस्ट से बात करता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट से बहुत कम बात करता है, क्योंकि जो भी रहता है उसका जो भी इश्यू रहेगा वो बात करेगा इससे कि क्या है, क्या कंट्रोल मेडिसिन है, कौन सा जो बिल है, कौन सा बिल नहीं है, कौन सी मेडिसिन आपने दी है, कौन से पेशेंट की दी है, कौन सी बिल बताइए, कौन से पेशेंट को बिल दिए थे, फिर जो कहां से आपने मेडिसिन मंगाए थे आपके वो बिल, परचेस बिल बताइए, ठीक है, सेल्स बिल बताइए। तो ये डीएचए ऑफिसर ज्यादातर किससे बात क्वेश्चन करता है, वो फार्मासिस्ट से करता है। तो ये हमको एक मेन रोल देखने को मिलता है दुबई के अंदर। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो असिस्टेंट मतलब जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किया वो भी वही काम कर रहा है, और एक जो इसने बी फार्मा के बाद जो डिग्री लिया उसने भी बेचारा वो भी वही काम करता है। हमको उतना वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमको दुबई के अंदर, और हम अगर बात करें यूरोप साइड में, तो हमको सब देखने को, देखो असिस्टेंट फार्मेसी भी एप्रॉन पहनता है और रजिस्टर्ड फार्मेसी भी एप्रॉन पहनता है, बस फर्क है कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट के यहाँ पे ना लोगो रहता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट करके लिखा रहता है। तो ये अपनी वीडियो से मैं ये नहीं बता रहा कि एक डिप्लोमा इन फार्मेसी कुछ भी नहीं है। देखो अगर आपकी एज कम है, मैं आप लोग को एक राय देना चाहता हूँ, अगर आप लोग की एज कम है, अगर आप बी फार्मा पास आउट हो गए, ठीक है, आपकी एज सिर्फ 20 है, तो आप ना मूव ऑन कर लीजिए बी फार्मा करने के लिए, ठीक है। अगर आपको यही फील्ड में जाना है तो आपका बी फार्म डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाना है, फिर थर्ड ईयर बचता है, फोर ईयर बाद सिर्फ आपको 3 साल देना है, ठीक है। 3 साल देने के बाद फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है, फिर आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक मेन रोल मिलता है। अगर आप देखो एक 20 साल का आप आराम से कितना 20 साल आप 24 में आप एक 24 में आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आज की वीडियो में, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।